मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गुरुवार को अवैध प्लॉटिंग पर एक बार फिर कार्रवाई की गई। प्राधिकरण प्रवर्तन टीम द्वारा काजीपुरा जवाहर नगर क्षेत्र में लगभग 15 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मुरादाबाद के सुनियोजित विकास को लेकर काम किया जा रहा है। अवैध निर्माण को लेकर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है और जनमानस को भी लगातार जागरूक किया जा रहा है। थाना सिविल लाइन के गांव काजीपुरा जवाहर नगर पहुंची प्राधिकरण प्रवर्तन टीम द्वारा मोहम्मद मोमीन के द्वारा की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। क्षेत्रीय जेई मनोज कुमार द्वारा बताया गया कि मोहम्मद मोमीन के द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। उनको चेतावनी दी गई और नोटिस भी दिए गए, लेकिन उनके द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है, जिसके चलते कार्यवाही की गई है। प्राधिकरण सचिव अंजुलता द्वारा बताया गया कि हम मुरादाबाद की जनता के लिए सभी सुविधाओं से लैस आवासीय कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं, प्लॉट उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं, अवैध निर्माण को हवा दे रहे हैं। हम ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं जो प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। प्राधिकरण सचिव द्वारा कहा गया कि मुरादाबाद की आवाम को कई नई टाउनशिप देने जा रहे हैं, जिसके लिए कोई ऐसा काम न करें जो अवैध श्रेणी में आता हो। भवन निर्माण से पहले मानचित्र अवश्य स्वीकृत कराएं। आज मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम के द्वारा ये प्रेम नगर काजीपुरा में अवैध प्लॉटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। ये मोहम्मद मोमिन के द्वारा अवैध प्लॉटिंग की गई थी लगभग 15 बीघा में, जिसके नियमानुसार आदेश ध्वस्तीकरण के पारित हुए थे। वेद प्राधिकारी के स्तर से टीम द्वारा उन आदेशों के अनुपालन में आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। मैं मुरादाबाद की जनता से यही अपील करूंगी कि कोई भी कंस्ट्रक्शन काम करें या फिर कहीं भी आप प्लॉटिंग इत्यादि भी करें तो नियमानुसार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से लेआउट पास कराने के उपरांत ही आप प्लॉटिंग इत्यादि का काम करें। साथ ही यदि अपना भी कोई मकान इत्यादि बनाना है तो प्राधिकरण से आप अपना नक्शा स्वीकृत कराने के उपरांत ही कराएं, अन्यथा की स्थितियों में फिर प्राधिकरण के स्तर से जो कार्रवाइयां की जाती हैं वो फिर जो भी मकान बनाने वाला है या जिसने लेआउट अनधिकृत रूप से पास कर दिया उसको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।